हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ बहुत ही तीखी और चटपटी बहुत ही काम की रेसिपी। तो इसके लिए ड्राई मैंगो और इमली को ओवरनाइट हम भिगो लेंगे और इसमें एक सीटी लगा देंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं और इसे मोटे वाले जो जिसमें हम चावल वगैरह पसाते हैं उस छलनी में अच्छे से छान लेते हैं। कढ़ाई में लेना है 1 टीस्पून सरसों का तेल, इसमें हींग जीरा और मीठे के लिए आप चीनी बताशा गुड़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल बताशा और गुड़ यूज़ करूँ और इस पेस्ट को भी इसमें ऐड करूंगी और जब तक पकाऊंगी जब तक इसमें 2 से 3 उबाल ना आ जाए और अच्छे से ये पकना जाए। ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे सफ़ेद नमक, काला नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। यदि आपको किशमिश पसंद है तो इस टाइम आप मसालों के साथ किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही चटपटी और फर्स्ट क्लास ये बन के तैयार हो जाती है आपकी सौंठ। चाट पकौड़े बनाइए और इसका आनंद लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।